कुमार बताता है भाई जी, बीज रूप स्थिति से विकर्म विनाश होते हैं। हाँ। अभी आपने बताया जो वो स्टेज मतलब कौन सी होगी उसकी निशानी क्या है, बताया। हाँ, हिसाब किताब बराबर हो चुके हैं। हाँ, अभी बताया, कल बताया था बीज माना, बीज ऊपर है ना, है ना, यहाँ से बीज के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं। विधि बताया, बैठ के आत्मा समझ कर, करंट उधर है, ये दो तार वहां जोड़ेंगे तो करंट आएगा ना। बीज सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, ये सब झाड़ है, बीज ऊपर है। पानी अगर झाड़ को चाहिए कहां से मिलेगा, पत्ते से मिलेगा, ऊपर से मिलेगा। तो बीज के साथ जोड़ो तो सर्वशक्तियां प्राप्त होंगी। वो शक्ति आपके आत्मा के अंदर जो पाप है, जो आधा कलप के बाद बनाया, पहले नहीं, आपने सफेद कपड़े पहना, बाद में रंग कैसे लगा, ये द्वापर युग के बाद लगा, उसको मिटा सकते हो, ये सफेद को मिटा नहीं सकते, है ना। तो सफेद आत्मा सफेद है, उसके ऊपर जो काले दाग उसको मिटाओ, उसको मिटाने के लिए बाबा साबुन देता है, ज्ञान और योग। तो वो योग क्या है, उसकी विधि बता, साबुन ऐसे लगाओ नहीं, घिसना चाहिए, तो विधि बताए कैसे बैठ के आत्मचिंतन करो, परमात्मा चिंतन करो। इस विधि से अगर लगातार एक दो महीना छह महीना करते हो तो दिखाई देते हो, स्वप्न बार बार आता था, अभी आना कम हो गया, अगर भी करते रहेंगे तो सदा के लिए चला जाएगा, तब विश्वास होता है। ये गोली खाने से, ये योग करने से ये बीमारी मिट गई। दो साल से मैं डॉक्टर की दवाई लेता हूँ, सिर दर्द गया ही नहीं है, दोबारा जाएगा उसके पास, नहीं ये डॉक्टर ठीक नहीं, गोली भी ठीक नहीं, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, है ना। तो निश्चय कैसे होता है, प्राप्ति से निश्चय होता है। प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, बिना पुरुषार्थ किया, बिना दवाई ले हुए बीमारी नहीं जाएंगी। डॉक्टर ने कहा था ये गोली खाली पेट लेना, आपने कहा पेट तो एक ही है ना, भूल गया शाम को लेता हूं, नहीं, दवाई विधि पूर्वक दवाई लेते हो, उसकी प्राप्ति भी सिद्धि भी प्राप्त होती है। हम विधि पूर्वक नहीं करते, सवेरे भूल गए शाम को लेते हैं, एक घंटे के बाद लेते हैं, सवेरे दवाई का असर अलग है, शाम को दवाई का असर अलग है ना। तो विधि है, सिर्फ बाबा को याद करने से नहीं, शास्त्रों में सुनाया विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया, क्रोध को भी जीत नहीं सका। आपको मैं 24 सालों से योग करता हूं, अभी क्रोध ही नहीं गया, कब जाएगा। तो या योग ठीक नहीं, या भगवान ठीक नहीं, या दवाई ठीक नहीं, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, क्या ठीक नहीं है। मेरी यूज दवाई लेने की विधि ठीक नहीं है, ठीक है, विधि बताइए।